ये ऑर्चर्ड जो है ये तकरीबन अब तैयार है और यहाँ पे फ्रूटिंग जो है वो बेहतरीन है। तो यहाँ पे एक हम असेसमेंट भी बताएंगे आप दोस्तों को कि इस बाग में से हमने इस साल कितना फ्रूट लिया है। इसकी लाइन टू लाइन डायमेंशन जो है वो 13.5 फुट है और प्लांट टू प्लांट जो है वो तकरीबन 4 फुट है। इसको पहले जो है 22x27 पे लगा हुआ था, तो उसमें हमने ये पौधे जो हैं लाइन टू लाइन जो है ये एडजस्ट किए हैं। ये आप देख लें, ये पौधे इसमें हमने नए लगाए थे जो अब वो भी काफ़ी हद तक बड़े हो गए हैं। और इसमें जो अब ये बड़े प्लांट्स हैं इनको हम आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है इनको हम प्रून करके 7 7.5 फीट पर ले आएंगे। तो ये आप इस आर्चर्ड को देखते जाएं, ये हमारे पास एक आइडियल आर्चर्ड है कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कोई ऐसा हमें ऑर्चिड दिखाएं जहाँ पर जो है फ्रूट भी हो और पौधे बड़े हों। तो यहाँ पे आपको ये बड़े पौधे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि हैज क्या होती है, तो हैज भी हम आपको दिखा देते हैं। ये देख, ये अब आइडियल प्लांट एक ये भी है, ये तकरीबन 7 फुट है, तो इसको हमने यहीं पर मैनेज करना है। इसके साथ जो पौधे हैं ये आप देख लें, ये भी डेवलप हो रहे हैं, ये भी जब 7 फुट के हो जाएंगे तो ये एक आपस में ये हैज बन रही है। पौधे जो हैं वो आपस में हम एक साइड से मिलने देंगे और ये जो दूसरा है इसमें हमने इंटर रो जो है वो डिस्टेंस ज़रूर रखना है। इंटर रो डिस्टेंस जो है वो इसमें हम तकरीबन 1 मीटर से ज़्यादा रखेंगे, 5 फुट के करीब हम रखेंगे, तकरीबन 1.5 मीटर इंटर रो डिस्टेंस या एलीवे रखने का मकसद ये होता है कि पौधा जो है उसको अच्छी रोशनी मिले और हवा का गुजर अच्छा हो। आपका जो ज़्यादा फ्रूट है वो टॉप पर होगा और टॉप के बाद जो है ये साइड पर इसकी फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन इसकी हमने प्रूनिंग ऐसे करनी है कि हमें जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्रूट बेरिंग हमारे पास आए। तो ये डिफरेंट किस्म की इस वक्त जो है ना वो सिचुएशन है और इस आर्चर्ड को आप जो है ज़रूर विज़िट करें। हमारे चैनल को भी देखते रहें, उसको लाइक करें। कोई सवाल हो, किसी भी किस्म का सवाल है या कोई और बातचीत आपने करनी है तो आप फ़ोन पर भी कर सकते हैं और हमारे इनबॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।